सीधी में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। थाना प्रभारी दीपक बाघेला ने दो महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की और उनके साथ नाबालिग बच्चे को भी लॉकअप में बंद रखा। महिलाओं ने सीधी के एडिशनल एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अमेलिया थाना प्रभारी दीपक बाघेला ने चोरी के मामले में दो महिलाओं की बेरहमी से पिटाई कर दी और महिला को उनके 1.5 साल के नाबालिग बच्चे के साथ लॉकअप में बंद कर दिया। मामले को तूल पकड़ता देख महिलाओं को उपचार हेतु 2,000 रुपए दिए गए। थाना प्रभारी दीपक बाघेला पर आरोप है कि उन्होंने चोरी के आरोप में पीड़िता को गिरफ्तार किया था। पीड़िता कल्पना पटेल ने एएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि दीपक बाघेला द्वारा उसे झूठे चोरी के आरोप में फंसाकर बिना किसी कारण ही 2 दिनों तक 1.5 साल के बच्चे के साथ लॉकअप में बंद रखा गया। लॉकअप में उसकी माँ और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता ने उसकी मां और खुद की मेडिकल जांच कराकर उसको प्रताड़ित करने वाले थाना प्रभारी और झूठा आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिस प्रकार का मामला आया था, जिस पर जो है वरिष्ठ अधिकारी जो है एसडीपी चुनौत को जो है जांच को दिया गया और जांच के करने पर जो भी तथ्य आएंगे उसका कार्रवाई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।